गया शहर के एपी कॉलोनी स्थित बच्चों के शैक्षणिक संस्थान जूनियर दिल्ली स्कूल का एनुअल डे फंक्शन बड़े ही धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ गया म्यूजियम के ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। स्कूल के नन्हे मुन्हे बच्चों ने ग्रुप डांस ऑफ शेक्सपियर पर प्ले दिखाकर अपना जलवा दिखाया। साथ ही बच्चों ने विभिन्न देशों राष्ट्रीय ध्वज और पोशाक धारण कर झंडा फहराकर देशभक्ति का परिचय दिया और उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। अपने नन्हे बच्चे को स्टेज पर परफॉर्म करते देख उनके अभिभावक काफी भावुक दिखे। अभिभावकों ने बताया कि जूनियर दिल्ली स्कूल में काफी बेहतर शिक्षा दी जाती है। परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट टीचर्स ने भी काफी हार्ड वर्क किया है एंड बच्चों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस से दिख रहा है कि उन्होंने उनके हार्ड वर्क को सक्सेस किया है। उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में ये? हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ बुकिश नॉलेज ही इनफ नहीं है बच्चों के लिए। उनको हर एक फील्ड में बेटर से बेटर होना है, तो यहाँ पे बच्चों को हर तरीके से अच्छा बनाते हैं, हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज देते हैं, उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पे बच्चों का। पढ़ाई तो नो डाउट बहुत अच्छी है। हाँ, अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 out of 10 दूंगी स्कूल को, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छी हैं और एक होता ना एक मदर केयर मिलता है बच्चों को यहाँ पे एंड एनवायरनमेंट भी नो डाउट बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम सना मोइज़ है और मेरे बच्चे यहाँ जूनियर DPS में पढ़ते हैं, जूनियर दिल्ली स्कूल में, और एक LKG में है और एक 1 में है। अबाउट दैट कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है बच्चों के लिए और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत यहाँ प्रोग्राम अभी चल रहा है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बच्चों की बहुत केयर होती है और लाइक अ मदर। अच्छा, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है? संतुष्ट है? हाँ, बहुत संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और बहुत अच्छा है और हमेशा अच्छा होता है प्रोग्राम यहाँ का। एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, अबव एक्सपेक्टेशन। वहीं मौके पर मौजूद विशिष्ट अतिथि और युवा राजद नेता विश्वनाथ यादव ने स्कूल को अपनी शुभकामनाएं दी। कहा कि इस तरह के परफॉर्मेंस से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत ही ऑसम, आज जूनियर DPS का चौथा एनुअल फंक्शन है और हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। हम पूरे स्कूल मैनेजमेंट को, उनके टीचर्स को, उनके टीम को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी को बहुत बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। यही एक ऐसा विद्यालय जिसने अपनी तरफ से वो सारे परफॉर्मेंस दिखाए जो कि नाउमीद से बाहर था। इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वो अच्छा सिखाए जा रहे हैं, अच्छा पढ़ाए जा रहे हैं, इसका वो परिचय दे रहे हैं। हमारी ढेर शुभकामनाएं और लाखों बधाई इसमें मिलता है। प्रिंसिपल जाफरी ने कहा, बच्चों के स्टेज परफॉर्मेंस से बच्चों के अंदर से स्टेज परफॉर्मेंस के डर को खत्म किया जाता है। सेलिब्रेटिंग माय एनुअल फंक्शन, हमारा एनुअल फंक्शन बहुत ही शानदार तरीके से गया म्यूज़ियम में किया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेटेड हैं और उन बच्चों ने बहुत अच्छी योगदान अपनी दिखाई है और बहुत अच्छे से अपना एफर्ट दिया है। करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये हमारा उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्टेज में अपने फोबियाज में आते हैं और उनके फोबिया को हम इरेडिकेट करते हैं, कि उनका डर जो इतने सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का जो उनका प्रोत्साहन है, जो उनकी अचीवमेंट्स है, वो सब के लिए हम इनको यहाँ पर इसी उद्देश्य से, इसी ऑब्जेक्टिव से हम अपने बच्चों को स्टेज परफॉर्मेंस की फोबिया को इरेडिकेट करने के लिए ये माध्यम हमारा सबसे बड़ा माध्यम होता है एनुअल फंक्शन, जहाँ हर तरीके से बच्चा अपना कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप करता है। थैंक यू।
by and a steelier blue world, he decided not to. Delhi school. I'm glad to see this annual functions. I hope students and parents are enjoying this. Thank you so much.